दे वेलकम विदाउट डोर होम, 10 दिन की फास्टिंग करके शरीर का बैंड बजा पड़ा है। सात दिन तो कुछ भी नहीं खाया, ज्यादा ही हो गया शरीर को, तो शरीर में क्राइसिस आ गया, उभार आ जाता है लंबे उपवास से। उसको उपवास नहीं कहते जो नवरात्रों में और ऐसे व्रतों में लोग खाते हैं दुनिया भर का माल, और कहते हैं फास्ट। फास्ट का मतलब होता है ना खाना, जो हमारे से थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारे शरीर को नीड थी और शरीर के हिसाब से लंबा हो गया, तो अब शरीर में क्राइसिस आ गए। ये उम्मीद नहीं थी, मतलब बॉडी में ज्यादा ही नील हो गया सब। और यहाँ पे काम पूरा करना पड़ता है, यहाँ किसी को मतलब नहीं। यहाँ क्या मेरे लिए ये लॉ है, यहाँ रहना है तो नौकरानी की तरह रहो, अदरवाइज यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और कोर्ट, MCD सब जगह के काम भी करो, सारे पेपर्स का ध्यान रखो, घर का ध्यान रखो। रोटी खाने बैठोगे तो उससे भी उठा देते हैं, अपना काम हो तो, नौकरानी के अधिकार नहीं होते। हम अपनी जिम्मेवारी समझ के पूरा कर रहे हैं, एक वक्त है जब तक सहना है करना है। मैंने जिंदगी में भूख भी देखी है, पिटाई भी देखी है, जिल्लत भी देखी है, जलीलों में भी देखा है, सब देखा है एक औरत होने के नाते, मगर झुकना नहीं सीखा। फिर भी झुकी नहीं कभी, और गलत के आगे तो मरते दम तक नहीं झुकी।